हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, मैं आज बस्व कल्याण में हूं, जहां पर 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर महाराज की जो पहचान है, जो उनका चारों दिशाओं में पूरे विश्व में उनकी जो प्रचिति निर्माण हुई है, उनकी आज मैं गांव में हूं। तो यहां आकर मैं देख रहा हूं कि पहले ये बताना चाहूंगा, मैं अभी आज एक गुफा में हूं। यहाँ से जमीन ऊपर है और एक जमीन को खोदकर, पहाड़ को खोदकर एक गुफा बनाई है। और इस गुफा का जो पहचान है, ये बसवेश्वर महाराज की जो बहन थी, अभी उनके नाम अक्कन्नगमा है, इनके नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन ये नाम सुनने से कुछ मैसेज मिले हमें, ये नहीं होने वाला है। ये गुफा की पहचान क्या है, ये हमें पहले समझना होगा। इस गुफा के पहले मैं और तीन गुफाओं में जा चुका हूँ, जो कि खुद स्वयं बसवेश्वर महाराज की थी और उनकी दो पत्नियां थी उसी बगल में, उसी गुफा के बगल में वो दोनों गुफाएं भी थी उन दोनों पत्नियों के लिए। वहां जाकर वो पूजा करते थे। यहाँ के जो स्थानिक है उन्होंने मुझे बताया, पूजा करना यानी कि जो शिवलिंग होता है, दिया जाता है, उस शिवलिंग की पूजा करना यानी कि गुफा के अंदर जाकर ध्यान करना, मेडिटेशन करना, कुंडलिनी जागरण करना। मैं इसके पहले भी जो लातूर शहर में एक खरोसा लेनी है, वहां पर भी बताया हूं कि गुफाओं में कंपार्टमेंट बनाए हैं, यानी कि कंपार्टमेंट यानी अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर अंदर जाने के लिए इतनी जगह है और अंदर जाकर एक कमरा है, उस कमरे में जाकर बैठकर ध्यान करना है, योग लगाना है। वैसा ही एक कंपार्टमेंट यहां पर भी देखोगे आप, यहां पर भी है। ये बैठने के लिए ये कंपार्टमेंट बनाया है, कमरा बनाया है। क्यों ये कमरा बनाया गया है? अपने ऊपर भी जमीन आ गई, नीचे भी आ गई, यानी कि ऊपर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऊपर भी आ गई और नीचे भी आ गई। जब ऐसी जगहों पर ध्यान लगाया जाता है तो अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके जरिए जो अपनी ऊर्जा चेतना है उसका ऊर्ध्वगमन होता है यहां बैठने के बाद। ये असली पहचान है इस गुफाओं की। मैं तो आज एक मेरा लक समझता हूं कि आया था हुमनाबाद वीरभद्रेश्वर के दर्शन वगैरह करने, तो बसवेश्वर महाराज के जो हमारा जो कुल है उसको पहचानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मुझे समझ में आया कि ये जगह भी अध्यात्म से जुड़ी है, योग से जुड़ी है, ध्यान से जुड़ी है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आरोग्य और अध्यात्म दोनों एक ही शब्द है। तो देखेंगे 12वीं शताब्दी यानी कि अभी 21वीं चल रही है, आज से 800-900 साल पुरातन मनुष्य ही थे, जैसे हम आज मनुष्य हैं, उन लोगों ने ये गुफाएं खोदते हुए अपने बैठने के लिए, साधना या उनका जो तप होता है ध्यान करने के लिए ऐसी जगहें बनाई हैं। तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जैसे उनको एक ही बार जीवन मिला था, 100 साल ही उम्र होती है, आज भी 100 साल ही है, जीवन एक ही बार मिलता है और इस जीवन में अपने को खुद का आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। कब? 50-60 साल बूढ़े होने के बाद नहीं, जब तक हमारी उम्र है और बहुत से आगे चलकर हमें कर्म वगैरह करना है, काम करने हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने प्रगति करनी है। कब होगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा खुद को, तब तक हम आगे किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसी आत्मज्ञान का जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसी शक्ति से बसवेश्वर महाराज ने अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई है। अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बसवन्ना का नाम वो बहुत उच्चार करते हैं या अपने अपने भाषणों में उनका नाम लाते हुए देखते हैं। तो इतनी महान हस्ती है, क्यों हो गई महान हस्ती? ऐसे बहुत सी महान हस्तियां हो गई है पुरातन जमाने में, उन्होंने इसी गुफाओं का ध्यान करते हुए, आत्मज्ञान करते हुए अपनी पहचान बनाई है और आज भी वो इस पहचान से जीवित है। चलो, कैसा लगा वीडियो, कुछ कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। ये कान का बोलू का तक थोड़ा बोलू का ये डोंगर आई गए हां डोंगर बाबा ये हमारे पे छोटा भाई ये देखो हां ठीक है।
सिर्फ छोटे बुक दे दीजिए अंदर जाते हैं। ये सब ये पुराने मंदिर वाला सब बना है। आई सर ये सब ये पुराना मंदिर है। हां